मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, रविवार को उन्होंने वाराणसी में छोटे छोटे दलों को साथ लेने के संकेत के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 साल में कोई वादा पूरा नहीं कर पाए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपराधों पर नियंत्रण के बजाय बदमाशों को पकड़कर एनकाउंटर कर रही है। अखिलेश यादव के वाराणसी आगमन पर उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया, जिसमें वरुणापुर नदेसर पर सपा नेत्री रितिका रानी, सैफ अंसारी, नदीम राजा, हारून अंसारी, वीर प्रताप सिंह सोनू, वीरेंद्र कुमार यादव, आकाश यादव, दीपक कानूजिया, राजन भार्गव, रितिका यादव, जुलकार नयन, दिवाकर सिंह उरूस प्रिंस श्रीवास्तव, पुनीत पटेल, प्रकाश विश्वकर्मा, महबूब आलम के साथ और भी कई सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसैलाब बनारस में उमड़ा है। ये सभी हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के माध्यम से समाजवादी पार्टी वर्तमान सरकार को ये संदेश देना चाहती है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यूपी को विकास के रास्ते पर लाया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धर्म और जाति के लोगों को बांटकर पिछड़ों और दलितों, गरीबों, नौजवानों और बुनकरों, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करने का काम किया है। आज की रैली पूरे उत्तर प्रदेश में एक ये बड़ा संदेश देने का काम करेगी कि छला हुआ पिछड़ा समाज अब भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है और यही बनारस, यही धरती से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए जितनी ताकत हो सके उसको लगाने का काम करेंगे।